तो गाइस पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि हिमलेयर्स के किंगडम के अंदर से सारे के सारे विलेजर्स गायब हो चुके हैं। इस समस्या का समाधान लेने के लिए मैं गया मेन हिमलेयर्स के अंदर, जहाँ पर मुझे प्रोफेसर नहीं मिलता है। अब हिमलेयर्स के अंदर सिर्फ एक बंदा बचा था जो कि मेरी हेल्प कर सकता था, वो था विजार्ड। इसलिए मैं सीधे विजार्ड की शिप पर चला गया। विजार्ड ने बताया कि इस काम को करने के लिए मुझे एक रिचुअल करना पड़ेगा और उस रिचुअल के अंदर एक स्पेशल हॉर्न लगेगी, और वो वाली हॉर्न एक हबीबी के पास है। और विजार्ड ने मुझे तुरंत हबीबी के पास भेज दिया। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो पता चला कि जंगली लोगों ने हबीबी को कैद करके रखा है। फिर मैंने जैसे तैसे हबीबी को आजाद कराया और उसने मुझे बताया कि उनके पास जो हॉर्न था उसे एक चुड़ैल लेकर चली गई है। अभी मुझे हॉर्न तो नहीं दे सकते थे, लेकिन उस जगह का मैप इन्होंने दे दिया जहां पर हॉर्न पड़ा है इस टाइम पर, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत करके जगह का पता लगा लिया है। देन हबीबी जी को एक हेल्प चाहिए होती है, जिसे मैं कर देता हूं तुरंत। और फिर मैं जहां पर चला जाता हूं जहां पर मुझे हॉर्न मिलने वाली है। वहां पर ढेर सारे पजल होते हैं, जहां पर ढेर सारा पार्कोर होता है, जहां पर बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। बट जैसे तैसे मैं सारे पजल और पार्कोर को पूरा कर लेता हूं। लेकिन एक जगह ऐसी आती जहां पर रास्ते में वॉल बनी हुई थी और वहां पर खतरनाक वाली आवाज आती और तभी अंधेरा हो जाता है। अब आगे, अबे यार यहां पर तो अंधेरा जा ही नहीं रहा, व्हाट ये क्या हो रहा है? अबे भाई ये कौन है? मैंने तुम्हारी हरकतों को देखा और हमारी महारानी को ऐसा लगा कि तुम हॉर्न को लेकर चले जाओगे, इसलिए हमने तुम्हें कैद कर लिया। अगर तुम यहाँ से जा सकते हो तो जाओ। अबे यार मतलब मैंने इतना ढेर सारा पार्क और पजल ये सब कुछ किया, दोबारा से मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा? और यहाँ पर ऐसा कुछ है भी नहीं कि मैं यहाँ से पार कर पाऊँ इस जगह को। गणेश के अंदर क्या है यार? सिर्फ एक बुक है और उसमें कुछ नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ पर एक लेडर मिल गई मुझे, एक स्टेप। लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है किसी का, यहाँ पर तो मुझे बटन दिख रहा है, शायद ये बटन ही है। बट मैं ये कौन सी जगह पर टेलीपोर्ट हो गया? और यहाँ पर तो एकदम भूतिया वाली आवाज भी आ रही है, और ये वाली आवाज है शायद इस लैपटॉप से। एक बार चेक कर लूँ इसे। हमने तुम्हें चारों तरफ से कैद कर लिया, अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी हिम्मत है तो यहाँ से निकल कर दिखाओ। अबे यार यहाँ पर तो सिर्फ धमकियां ही दी जा रही है। एक मिनट, ये टीवी कि क्या इसे ऑन करके देखूंगा। हर तरीके से भी बंद करो, यहाँ से भी सिर्फ धमकियां मिल रही है मुझे। और ये क्या अलमारी में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर भी कुछ नहीं है। और ये दोनों डोर्स लॉक है, जो कि ऑब्वियसली है क्योंकि मैं यहाँ पर कैद हूँ। इसके माउस से तो कुछ नहीं होने वाला, नहीं कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। सिर्फ यहाँ पर बस ये वाला डोर बचा, हो सके ये वाला खुल जाए, और खुल भी गया ये वाला। बट यार गाइस यहाँ पर तो बहुत ज्यादा अंधेरा है, मुझे तो डर ही लग रहा है कि आगे क्या मिल जाए मुझको। ओ भाई साहब कितना खतरनाक वाला, यहाँ पर लाइट जल बुझ रही है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मरीजों के लिए बेड लगी हुई है। लेकिन क्या है अबे भाई साहब ये क्या चीज है? और मैं दोबारा से यहाँ पर आ गया और यहाँ पर लिख के आ रहा है एग्जिट द रूम। कैसे एग्जिट करे तुम? ड्राई जा रहे हो यहाँ पर? व्हाट, ये तो पूरी जगह ही बदल गई यहाँ पर। अभी अभी मैं यहीं पर आया था लेकिन पूरा अंधेरा था, और यहाँ पर देखो अभी भी ये वाला डोर लॉक है, जबकि मैं यहीं से आया था पूरा अंधेरा था सामने। इन लोगों ने पल भर में वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, क्या बात है। और यहाँ पर देखो ये चुड़ैल भूत दोबारा आ गया, लेकिन मैं इससे नहीं डरने वाला। अब यहाँ पर सारे डोर्स को चेक कर लेता हूँ। ये लॉक है, ये भी लॉक है, बस ये वाला खुला है, लेकिन यहाँ पर बेतहाशा अंधेरा, इसलिए दरवाजे को बंद कर देता हूँ मैं। बस आगे कोई भूत शैतान ना मिल जाए। अबे भाई यहाँ पर तो कूदना पड़ेगा, यहाँ पर तो लिख क्या रहा है, डू इट, कूदूं या ना कूदूं? मुझे तो डर लग रहा है, कूद ही जाता हूँ, देखा जाएगा क्या होता है। बस कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, बहुत अच्छा हुआ ये बात। अब यहाँ पर तो सीधे साधे एक रास्ता दिख रहा है मुझे, यहीं पर चलते इस दरवाजे के पास, देखते हैं क्या आता है। भाई साहब ये तो एक पल के लिए आया, लेकिन डरा कर चला गया भूत कायदे से। और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर में पूरी जगह बदल जा रही, देखो वहाँ पर ब्रिज था, यहाँ पर खतरनाक वाला अच्छा सा लग गया। और लो दोबारा से मैं यहाँ पर वापस टेलीपोर्ट हो गया, और दोबारा से मैं दरवाजे में जाऊंगा और दोबारा सारी चीजें बदल जाएगी। और क्या करना है इन लोगों को? व्हाट द हेल, ये तो पूरा अंधेरा ही हो गया। अबे यार अब ये किस जगह पर भेज दिया मुझको? और यहाँ पर तो चारों तरफ रास्ता ही रास्ता, और यहाँ पर लाइट लगी हुई। वाओ, तुम तो गाइस मैं कह रहा था कि यहाँ पर तो चारों तरफ रास्ता ही रास्ता, बिल्कुल भूल भुलैया बना रखा इन लोगों ने। ओके यहाँ पर एक क्राफ्टिंग टेबल हो सके, कहीं काम पड़ जाए इसका। गेम्स के भूत चुड़ैल शैतान में एक अच्छी बात होती है, वे लोग स्केप करने के लिए कोई ना कोई सामान छोड़ जाते हैं। और ये जमीन तो एकदम चॉकलेट वाली लग रही है। और उसके बाद बहुत देर तक मैं यूं ही इधर उधर भटकता रहा, लेकिन मुझे कहीं पर कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पर मेरा सिर्फ टाइम बर्बाद हो रहा था, और मैं यूं ही भटक रहा था कि मैं नोटिस करता हूँ यहाँ पर पूरी चीजें बदल गई है। मतलब कि पहले कहीं पर दरवाजे नहीं थे और यहाँ पर दरवाजे आ चुके हैं, और जो छत है पहले दूसरे ब्लॉक की बनी हुई थी लेकिन अब लकड़ी की बन गई है, और लाइटें भी चेंज हो गई। लेकिन मेरा इससे क्या? अबे यार अब ये क्या होने लगा दोबारा से? ये भूत चुड़ैल जो भी एक बार मुझसे मिल जाए बस। अभी का बवाल है। ओ चाचे इधर तक, चाचे इधर तक, क्या हाल चाल? हाँ यार एकदम गुम हो गया ये। तो गाइस मैं इससे बात करके आता हूँ कि क्या बवाल है यहाँ पर। तो गाइस मैं इस पोकेमोन को मैंने बहुत ज्यादा बुलाया, लेकिन इसने मुझे कुछ नहीं बोला, सिर्फ चुपचाप यूं ही खड़ा है। मे भी हो सकता है ये चुड़ैल हम लोगों को भ्रमित कर रही है, लेकिन हम लोग अपने लक्ष्य को पा कर रहेंगे, इसलिए लाइक कर दो जाके जल्दी। और वहाँ पर देखो प्रेशर प्लेट में मैं चढ़ा और यहाँ पर दोबारा दूसरी जगह पर आ गया। वाओ मंकी बिजनेस, वाओ क्या बात है। कोई नहीं बताया कि हम बिजनेस नहीं करने आए यहाँ, का बताओ भी चोरी की चीज हो। इसे देखो इस तरीके से खड़ा है, मानो कह रहा है कि स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। बाय द वे यहाँ पर भी बहुत ढेर सारी भूल भुलैया बनी हुई है, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट ही हो जा रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर भी रास्ता है, ये डोर है जो कि लॉक होगा ऑब्वियसली। फिर यहाँ पर चारों तरफ से डोर सी डोर, और ये पता नहीं क्या चीज है मेरे हाथों में, सिर्फ मैं इससे टेलीपोर्ट कर रहा हूँ। ये वाला डोर ये भी लॉक्ड है। व्हाट, ये मेरी इन्वेंटरी कैसे गायब हो गई? जैसे ही मैं दरवाजे के पास गया मेरी इन्वेंटरी गायब हो गई। अब दोबारा से जाकर देखता हूँ एक बार, कुछ तो नहीं हो रहा है, एक बार दरवाजा खोल के देखता हूँ। ये तो आ गई इन्वेंटरी, और यहाँ पर ये क्या जगह है? व्हाट द हेल यार, ये कौन सी जगह है? यहाँ पर तो सिर्फ अंधेरा है और चारों तरफ सिर्फ मौसम मौसम, जो कि मुझे कुछ कह भी नहीं रहे। और ये क्या बंदा है जो कि अकेले ही खड़ा? तो गाइस मैं इससे बात करके आता हूँ क्या मामला है। ओके तो गाइस बंदे मुझे बहुत
ज्यादा सीरियस बात बताई है। इसने बताया कि मेरी तरह ये भी आया था इस हॉर्न को लेने के लिए, लेकिन अचानक से यहाँ पर एक चुड़ैल आती है जो इसे यहाँ पर कैद कर जाती है। और गाइस आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एक भी मॉब मुझे मार नहीं रहा, तो इसने बताया कि 10-5 मिनट तक ये मॉब्स तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये चुड़ैल 5 मिनट का टाइम देती है कुछ करने के लिए। और आज चाचे के पास बहुत ढेर सारा सामान था जो इसने मुझे दे दिया है। और गाइस आर्मर देखो कितना ऑसम सा है। वेल चाचे मैं जल्दी आऊंगा और तुझे छुड़ा कर भी ले जाऊंगा। और इसने मुझसे कहा है कि इसी तरफ जाओ, यहाँ पर मिल जाएगा तुम्हें वो जगह। और पहले तुम लोग इसकी वीपर सको कितना ज्यादा ऑसम है। मैंने सिर्फ इसे एक बार मारा और यहाँ पर जहर की बारिश हो गई। और जो दूसरा वाला है इसे तो भूकंप ही आ जाता है ये देखो। और भूकंप आने के साथ साथ सारे मॉब्स जमीन के अंदर भी जम जाते हैं। बट यहाँ पे एक दिक्कत है कि यहाँ पर मुझे वो जगह मिल ही नहीं रही और मैं बहुत देर से सिर्फ चला ही जा रहा हूँ। वेल तब तक इनसे ही मजा कर रहे जमीन में धसा करके इन लोगों को। ये कौन सी जगह है? शायद वही वाली जगह हो, यहाँ पर एक प्रेशर प्लेट भी लगा हुआ है, शायद इससे हम लोग टेलीपोर्ट कर जाए, इसलिए सीधे हम लोग चलते हैं प्रेशर प्लेट के ऊपर। ओके तो गाइस मेरा अनुमान एकदम सही निकला और हम लोग आ चुके हैं आसमान की ऊंचाइयों में। और यहाँ पर कितना ज्यादा ऑसम सा सीन है, एकदम तारे दिख रहे हैं यहाँ पर। और ये देखो गाइस अपना हॉर्न यहाँ पर पड़ा हुआ, कितना ऑसम लग रहा है, एकदम चांद की चांदनी में पड़ा हुआ है ये अकेला। चाचा ने मुझे बताया कि इसे निकालना है और मुझे यहाँ पर हवा में ही बजाना है इसे। ओके यहाँ पर तो मैंने इसे चालू कर दिया लेकिन यहाँ पर कुछ तो हो नहीं रहा। बट ये क्या आ रहा है? इस शंख को यहाँ पर बजाकर तुमने हमें आजाद किया है पुत्र, बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए? देखिए जी हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें अपने घर पर टेलीपोर्ट कर दीजिए हिमलैंड्स के अंदर। ठीक है तो मैं कर दूंगी, लेकिन यहाँ पर तुम्हें भेजा किसने है? वो मुझे रास्ते में एक विलेजर मिला तो उसने मुझसे यहाँ पर बताया कि जहाँ पर मिलेगा वो जगह। क्या विलेजर? मुझे उसके पास लेकर चलो एक बार प्लीज। ठीक है आओ साथ ही साथ हमारे। ये देखिए ये रहे विलेजर। पुत्र इस हॉर्न को तुम यहाँ पर दोबारा से एक बार बजा दो। ठीक है इसमें क्या है?